Hello everyone, Assalamualaikum. I am Sinulaik Khan and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ. So guys, last vlog में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने मेहंदी का पेस्ट बनाया है और ये है next day. Next day मेहंदी का कलर कुछ इस तरह से आया है और इसमें कुछ मैं अब इंग्रेडिएंट मिक्स करूँगी जिससे मेहंदी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी. मतलब आपके बालों की अच्छे से केयर होगी उन सारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद. तो मैं इसमें डालने वाली हूँ भृंगराज, आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये सारे पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएंगे इजीली. तो इनके सबके पाउडर में डालने वाली हूँ और इस ब्रांड के मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑरिगेंस ब्रांड के. ये मुझे पीआर में रिसीव हुए थे तो मैं इसको यूज़ करती हूँ. अच्छा रिजल्ट है इसका. तो मैं इन सब पाउडर्स को, ज़रूरी नहीं आप इसी ब्रांड के यूज़ करें, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं. और ये एक पैक अच्छा सा हेल्दी सा अपने बालों के लिए बनाकर रेडी कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालने वाली हूँ और इससे ना आपके बाल भी स्ट्रांग होते हैं, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है. मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये क्योर करते हैं ये सारे पैक्स. देन इसके बाद में मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में से मैंने दही निकाला, देन एक एग डालूंगी और थोड़ा सा दही भी डालूंगी क्योंकि सर्दी का टाइम है, डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो जाती है. तो थोड़ी बहुत मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मैं दही भी डाल रही हूँ और मैं डालूंगी यहाँ पर अंडा. सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं 11 बजे मेहंदी लगा रही हूँ. फिर उसके बाद मैं 3 घंटे बाद वॉश करूंगी और ये है मेरी इतनी सारी मेहंदी. और अगर इसमें से थोड़ी सी बचती है तो एक दिन के गैप के बाद मैं फिर इसको अप्लाई कर लूंगी. तो चलिए इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. क्योंकि सर्दियों में मुझे लग रहा है कि दिसंबर के मंथ में मैं इसको लगा के ख़त्म करूं क्योंकि फिर जनवरी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो मेहंदी बिल्कुल से स्किप हो जाती है फिर. डन हो गई है मेरी और पता नहीं दूर दूर तक फैल भी गई है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ. तभी मैं रूम में बैठकर मेहंदी नहीं लगाती हूँ हमेशा ना. सो गाइस, मेहंदी पूरी अप्लाई हो गई है, थोड़ी सी बची है. 2 से 3 दिन की गैप के बाद इसे मैं ऐसे ढककर रख दूंगी और फिर उसके बाद अप्लाई करूंगी. चलिए नाश्ता कर लूँ, बहुत जोरों की भूख लग रही, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. सो आज के नाश्ते में है छोले, राजमा की सब्जी और पराठे. आज मुझे मेरा पराठा सब्जी खाने का मन हो रहा था तो फिर मैंने पराठा बना लिया और सब्जी तो रात वाली है, ये बनाई थी तो ये है. और अभी मुझे जाना है एक रिसेप्शन में, मेरे फ्रेंड के छोटे भाई का रिसेप्शन है. सो मैं अपने हस्बैंड का ब्लेज़र निकाल रही हूँ तो ये आई थिंक ये वाला पहनेंगे तो थोड़ी सी आयरन करूँगी. शर्ट मुझे समझ में नहीं आ रही है किस पर आयरन करूँ, ये तो अच्छा लगेगा नहीं. मैं तो सोच रही हूँ ब्लैक ब्लैक ही पूरा ठीक रहेगा. तो ये ब्लैक ट्राउज़र और ये इनकी ब्लैक शर्ट और ये ब्लेज़र और ये शर्ट तो नहीं चाहिए यार, इनका डिसाइड हो गया. देन अब मैं अपना निकालती हूँ, मैंने अपना ये पिंक निकाला है तो ये वाला सूट मैं सोच रही हूँ आज वेयर करूँ और बहुत प्यारी प्यारी सी रील्स आपके साथ शेयर करूँ इसको पहनने के बाद. तो मैं क्या सोच रही हूँ तो यही वाला मैं पहनने वाली हूँ और देखते हैं इसके नीचे वार्मर आता है या नहीं. तो पहले इसको देखेंगे क्योंकि इसके नीचे ट्रांसपेरेंट है तो वार्मर दिखे नहीं, पता नहीं, तो देखते हैं. तो मैं हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ, फिर अपने कपड़ों पे प्रेस करूंगी. और इससे पहले मैंने एक यूट्यूब पर एक हैक देखा था, मेरी प्रेस की कंडीशन आप देखो पीछे से, हस्बैंड इतनी ज्यादा तेज करते हैं कि उन्होंने पूरी प्रेस इस तरह से कर दी. तो मैंने एक हैक देखा
तो वो काम कर रहा था, बट मेरे पास पेन किलर ज्यादा नहीं थी, तो इस पर एक पेन किलर से मैंने रब किया तो बहुत ज्यादा, देखो कितनी क्लीन हो गई, बहुत ज्यादा जली हुई थी पीछे से, क्योंकि बहुत तेज में करते हैं तो पूरी प्रेस की उन्होंने खराबी कर दी पूरी प्रेस। तो मैं सोच रही हूँ मैं पेन किलर लेकर आऊंगी पैरासीटामोल, तो उसके बाद इस पर रगड़ूंगी, और मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला। मेरे पास जो पेन किलर थी ना, बिल्कुल इसमें ना प्रेस नहीं हो पा रही थी, कपड़े इतने ज्यादा चिपका रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छी हो गई है। तो मतलब कोई कोई हैक बहुत ज्यादा काम के होते हैं, ये मजा आ गया मुझे तो देखकर, क्योंकि मुझे भी अपने सूट पर अभी प्रेस करनी है। सो गाइज, अभी जो टाइम हो रहा है शाम के बज गए हैं 5, खाना वाना खा लिया है, सब कुछ करके फ्री हो गई हूँ, और मेहंदी भी वॉश कर ली है, बहुत प्यारा सा देखते हैं कैसा कलर आया। बाल अभी बहुत ही ज्यादा मैंने अभी कोम नहीं किया है, अब मैं बालों को स्ट्रेटनिंग करूंगी, थोड़े से ड्रायर सुखाऊंगी, सर्दियों में तो ड्रायर करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, और देखते हैं किस तरह का मेहंदी का कलर आया। आज वैसे मुझे शादी में जाना है, नहीं तो मैं अपने वालों में ऑयलिंग करती देन उसके बाद शैम्पू करती, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि आज शादी में जाना है शाम को, इसी वजह से आयरन वगैरह मैंने कर ली है, सारी ड्रेस वगैरह निकाल दी है, क्योंकि मुझे एक मेकअप लुक शूट करना है और बहुत सारी रील्स आपके लिए शूट करनी है। आज चलिए तो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि टाइम जब वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं क्या बोल रही थी, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, और ऐसे ही मतलब तैयार होना तो मैं आधे घंटे में हो ही जाऊंगी, लेकिन जब वीडियो बना के तैयार होना होता तो सब प्रॉपर दिखाना होता है, तो इसलिए लेट हो जाता बहुत ज्यादा ही। आया शादी में सब कुछ खाया, बहुत टेस्टी खाना वाना था, और बस घर चलते हैं। प्राय बज गए हैं 12:15, और मैंने आने के बाद रील शूट करी, हस्बैंड को इतना मनाया, इतना मना मना के भीख मांग मांग के कहा कि रील्स बना लो रील्स बना लो, तो जैसे तैसे करके 4-5 रील्स हम दोनों ने साथ में शूट किए, और बस अब मैं चेंज करूंगी अपने कपड़े, और घर की हालत देख लो कितनी गंदी हो गई, पूरे में ही धूल ही धूल, और हम लोग जो फुटवेयर में गंदगी लगी थी वो पूरे घर में हो गई है। तो चलो भाई हम जल्दी से चेंज करते हैं और फिर सोते हैं। आई होप यू गाइस आज के लिए आपको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय। अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं 12 बज गए हैं, ठीक है,
और अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, आराम से आज मैं काम कर रही हूँ। अभी मैंने लंच की प्रिपरेशन नहीं की है, बस डिसाइड ही किया है कि क्या करना है, नाश्ता कर लिया आज। मतलब बहुत मनसा नहीं हो रहा था काम वाम करने का, बैठे बैठे मैं फोन चला रही थी, रील्स एडिट कर रही थी, लेकिन भाई काम तो करना पड़ेगा, लंच बनाना है, तो उसी में मैं लगी हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ, अभी मेरा ये कल मैं शादी में गई थी तो सूट ऐसे ही डला है, और जिसका प्लाजो था इतना ज्यादा गंदा हो गया, गार्डन में गंदगी रहती ना खाने पीने की, तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, तो उसे वॉश करके रखना है, कुर्ते को वॉश करना, दुपट्टा मैंने यही डाल दिया है, तो उसको तो हम बाद में वॉश करते हैं। उससे पहले हम चलते हैं किचन में और सोचा जो है वो आपको बताते हैं कि क्या है। चॉपिंग वगैरह नहीं किया है, बस सोच लिया है कि क्या बनाना है। तो मैं बना रही हूँ आज चलो बैक कैमरे से दिखाते हैं। और अभी घर की क्लीनिंग नहीं हुई है, घर पूरा गंदा बंदा पड़ा है, और कल जब हम कहीं शादी वादी में जाते हैं उसके बाद आते हैं गंदे गंदे पैर लेके घर, इतना ज्यादा गंदा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ आंटी जल्दी से आ जाए और घर की जल्दी से क्लीनिंग हो जाए, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है घर, पता नहीं क्या क्या। आने के बाद हम लोग ने इतनी सारी रीशूट की, मैंने अपने हस्बैंड को इतनी मिन्नत की प्लीज 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 एक बना लो, प्लीज प्लीज एक और, बोलने लगे कि बस बस अब नहीं अब नहीं, प्लीज एक बना लो भाई, इतना मेकअप करा कुछ तो वसूल हो जाए। तो बहुत मुश्किलों से मानते हैं भाई उन्हें इन सब चीजों का ज्यादा। एक मिनट, इन्हें इतना ज्यादा इन चीजों को शौक नहीं है, मैं ही लगी रहती हूँ बस, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इनसे रील्स बनवाई, मैंने कहा प्लीज एक दो कपल वाली शूट करते हैं ना। तो मैं बना रही हूँ आज लंच में बैगन, बैगन का भरता, दूसरी साइड पानी बॉयल हो रहा है, मैं बनाऊंगी यहाँ पर पास्ता, रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ मैं, व्हाइट वाला ज्यादा पता नहीं क्यों, वो रेस्टोरेंट वाला ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा, तो इसलिए तो वो जल्दी भी बन जाता अच्छा भी लगता है, तो मैं सोच रही हूँ वो बना लूँ और ये बैगन का भरता बना लूँ। आटा रखा है, बस रोटी डाल दूंगी, तो हो गया है सॉर्टेड काम मेरा, क्योंकि सुबह से जल्दी से सोच लूँ ना कि क्या बनना है तो फिर बन जाता। तो अभी मैंने शॉपिंग वगैरह नहीं की है, एज यू कैन सी सब कुछ शॉप करना है, क्योंकि दोनों में ही एक सारी चीजें जाती हैं, तो ज्यादा ज्यादा काटते हैं, अनियन भी उठाते हैं और सब कुछ चॉप करते हैं यूं चुटकी बजा के। तो यार चुटकी बजा के काम हो जाते तो कितने मजे आ जाते। तो सुबह से मैं बोल रही थी इनसे क्या बना लूं क्या बना लूं, फिर बोलने लगे कुछ भी बना लूं, मैंने कहा अब एक दिन मैं कुछ भी बना लूंगा, मतलब जब आओगे ना तो बोलेंगे क्या बना, मैंने कुछ भी बना लिया मैंने, और कागज में लग के लिख दूंगी कि कुछ भी बना लिया, यार बताते ही नहीं क्या बना लूं, तो बस वही है भी बना लो कुछ भी बना लो। भाई हम लोगों को तो सोचना पड़ता है क्या कुछ भी होता है, कुछ भी में क्या आता है। फिर मैंने ये सोचा, मैंने एक दिन बैगन लिए थे तो मैंने सोचा कि बैगन का भरता बना लूं, यही अच्छा लगता है ज्यादा। मेरी मैक्रोनी भी बनकर रेडी हो गई है, इसमें आज मैंने फर्स्ट टाइम पेरी पेरी सीजनिंग डाली है, और मेरे पास थी किसी के साथ आई थी तो फिर मैंने वो भी डाल लिया इसमें, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना मैक्रोनी, सब कुछ मैंने डाल दिया, सॉसेस वगैरह सोया सॉस वगैरह सबको डाल दिया, ज़्यादा मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, सोया सॉस थोड़ा बहुत डाल दिया, और सब कंप्लीट है, बस इसमें टमाटो केचप जाएगा, पास्ता मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया, सब कुछ कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, और मेरे यूटेंसिल्स भी वॉश हो गए हैं, घर मेरा पूरा क्लीन हो गया है एज यू कैन सी। सारी लाइट जब मैं झाड़ू पोछा करवाती हूँ, जब मैं झाड़ू पोछा करवाती हूँ तो इसको ऊपर ही रख देती हूँ क्योंकि इसकी जगह साइड में है, तो अब मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ क्योंकि भाई
ये तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इसकी जगह यहीं पर है साइड में, मैं लाइट्स को रख देती हूँ। अब आप देखो सारा घर मेरा क्लीन हो गया है। चांसेस थोड़ी देर में लगाएंगे बस। तो मैं अपना लंच कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ मैक्रोनी, और इसके ऊपर ना मैंने डाला है ये लेज, और इसको क्रश करके इसमें मिक्स कर दिया। इतना टेस्टी लग रहा है, और मेरे पास कॉर्न्स भी थे, मैंने सब कुछ डाली है, सारी वेजीज इसमें डाली हैं। बहुत 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 सबसे अच्छी आज की जो मैक्रोनी है वो बनी है। मैं शॉपिंग कर कर लेकर आई थी एक बूट्स, तो वो है ये, ठीक है, मैंने सोचा आज आपको दिखा दूँ, और उस दिन भी मैंने दिखा दिए थे, तो ये वही हैं वेलवेट की बूट्स। ली थी ब्लैक कलर की जीन्स डेनिम, और बिल्कुल परफेक्ट फिट आया है, बहुत अच्छी है। तो एक ये भी है, देन एक आया है मेरा पार्सल जो मैंने मंगाया है, डेनिम का टॉप। तो है ये एक डेनिम का टॉप, नी लेंथ तक है, ये नी लेंथ से थोड़ा सा ऊपर है, और ये मुझे चाहिए था अभी। मेरे पास एक डेनिम ड्रेस तो है, वो बहुत लॉन्ग है, और ये मैंने लिया है लाइक सर्दियों वगैरह में भी, अभी सर्दियों में पहनूंगी। तो इसके ऊपर से जैकेट डाल ली ब्लैक कलर की, और इसके अंदर बेल्ट भी है, बहुत ही प्यारा है ये। और इस तरह की कपड़ा भी, इसका ड्रेस मटेरियल भी बहुत अच्छा है। इसकी स्लीव्स थोड़ी सी छोट मतलब ढीली हो रही हैं, तो उसको देखते हैं क्या करना है।